शार्प कांड के आरोपी पर सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन। आरोपी प्रवेश शुक्ला पर लगा NSA, घर पर चला बुलडोजर। आदिवासी युवक के साथ बदसलूकी पर बीजेपी को घेरा गया। सीएम शिवराज ने कहा, जरूरत पड़ी तो अपराधी को जमीन में गाड़ देंगे। सोशल मीडिया के जमाने में कब क्या वायरल हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, और कभी कुछ वीडियो गुदगुदाने वाले होते हैं तो कुछ शर्मसार कर देने वाले। ठीक इसी तरह एक वीडियो वायरल हुआ मध्य प्रदेश के सीधी से, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, चारों तरफ इसकी निंदा होने लगी। वो क्यों, चलिए आपको बताते हैं। हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा और अपना गुस्सा भी जाहिर किया होगा। इस वीडियो का पूरा कांड बताएं, इससे पहले ये जान लीजिए कि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या एक्शन लिया है। दरअसल सीधी पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार गुरुवार को सीएम शिवराज से मिलने सीएम हाउस पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित आदिवासी का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बिठाया, पांव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया। शॉल उड़ाकर शिवराज ने उसका सम्मान किया। उन्होंने कहा, इस घटना से दुखी हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान जैसे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, मैं माफी चाहता हूँ। ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। इस घटना के सामने आने के बाद शिवराज ने कहा था, आरोपी को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। कार्रवाई के बाद ट्वीट किया था, NSA लगाया, बुलडोजर भी चलाया, जरूरत पड़ी तो अपराधी को जमीन में गाड़ देंगे। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। आरोपी प्रवेश शुक्ला को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पर NSA भी लगाया गया है, वो अभी जेल में है। आरोपी प्रवेश के घर चला बुलडोजर, कांग्रेस बोली पूरा घर तोड़ो। आदिवासी पर नशे में पेशाब करने के आरोपी भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला के घर बुधवार को प्रशासन ने तोड़ दिया। रात को कांग्रेस नेता पीड़ित के घर धरने पर बैठ गए। वे आरोपी का घर पूरी तरह से तोड़ने की मांग करते रहे। सीधी से बीजेपी विधायक केदार शुक्ला भी पीड़ित के घर पहुंचे। आरोपी प्रवेश का घर तोड़ने बुधवार को पहुंची GCB देखकर आरोपी की मां और चाची बेहोश हो गई। सिहावल SDM RP त्रिपाठी ने बताया कि घर का करीब एक तिहाई हिस्सा अवैध है, उसे ढहाया गया है। आरोपी प्रवेश शुक्ला के दूर के चाचा विद्याकांत शुक्ला ने बताया कि प्रवेश को बदनाम करने के लिए 2 साल पहले भी इस तरह का वीडियो एडिट कर वायरल किया गया था। उस समय भी पीड़ित ने इस पर आपत्ति जताई थी। अब 25 जून को ये वीडियो फिर सामने आया। इसके बाद से प्रवेश डिप्रेशन में था। वो बार बार कह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। 28 जून को प्रवेश घर से चला गया था। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। सीधी पेशाब कांड के वायरल वीडियो की कहानी। मध्य प्रदेश की सीधी में आदिवासी पर बीजेपी कार्यकर्ता के पेशाब करने के वायरल वीडियो ने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी। पुलिस का दावा है कि यह वीडियो 1 साल पुराना है, जिसे अब वायरल किया गया है। ये बताया जा रहा है कि आरोपी बीजेपी से जुड़ा है, वो मंडल स्तर पर भाजपा का पदाधिकारी रह चुका है। मंगलवार को सीधी जिले का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला नशे में चूर होकर एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा था। प्रवेश शुक्ला के हाथ में सिगरेट भी थी। वीडियो वायरल होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी पर NSA की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने देर रात आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को पुलिस ने उसके घर से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर भी चलाया। लेकिन सवाल ये है कि हमारे समाज में आज भी इस तरह के वीडियो क्यों वायरल हो रहे हैं, क्यों इन पर ऐसा कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, ताकि एक मिसाल कायम हो, ताकि कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे।